साडे यूट्यूब चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स विच तुहाडा स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर शहीद मक्खन सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल पठानकोट। अज असी सब्जैक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास नौमी पाठ एक एम एस एक्सल भाग वन विच जिहड़े जिहड़े टॉपिक पढ़ांगे उन्हें इस पाठ के खाली थावां अते सही गलत आओ देखते हाँ। खाली थावां भरो मीनस फिलअप्स। पहला फिलअप है एक एक्सल वर्कबुक विच डैश हुंदियां हन। इस दे चार ऑप्शन हन वर्कशीटा रोज कॉलम्स अते फार्मूले। जिहड़ी एक्सल वर्कबुक है उहदे विच वर्कशीटा हुंदियां हन। तुहानूं पता वर्कशीट की हुंदी है? वर्कशीट जिहड़ी है इह रो अते कालमां दी बनी हुंदी है। ते जदों असीं एक्सल ओपन करदे हां ते सानूं जिहड़ी सब तों पहले स्क्रीन नज़र आउंदी है रो अते कालमां दी फॉर्म च उसनूं बोलदे हैं वर्कशीट। ते वर्कशीट दे अंदर असीं कोई भी काम एक्सल दे अंदर कर सकते हैं, चाहे वह कोई डाटा एंट्री करनी हो चाहे कोई कैलकुलेशन करनी हो। सैकेंड है सैल की असल कीमत डैश बार विच नज़र आउंदी है। इस दे चार ऑप्शन ने टाइटल मेनू फॉर्मूला अते चौथा इन्हां विचों कोई नहीं। जदों भी असीं एक्सल दे विच किसी सैल दे विच कोई वैल्यू एंटर करते हाँ जां फॉर्मूला एंटर करते हाँ जां फंक्शन एंटर करते हाँ तो उसकी असल कीमत जिहड़ी है वह फॉर्मूला बार विच नज़र आउंदी है। थर्ड है डैश फॉर्मेटिंग नूं असी अपनी जरूरत अनुसार किसी सैल ते एक जां एक तो वध निजम लागू कर सकते हाँ। इस दे चार ऑप्शन हैं फॉर्मूला फंक्शन कंडीशनल ते इन्हां विचों कोई नहीं। जेकर असी किसी सैल दे उत्ते कोई निजम लगाना है कि असी चाहिए कि इस तरह की वैल्यू ही एंटर होवे ते उहदे लई असी वरतांगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर सही आंसर की होया कंडीशनल। नैक्सट फिलअप है फॉरमेट कमांड डैश टैब ते उपलब्ध हुंदी है। फॉरमेट का अर्थ हुंदा है कि जेकर असी एम एस एक्सल दे अंदर कोई टैक्स टाइप किया है उसका कलर चेंज करना है उसका फोंट स्टाइल चेंज करना है उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो वह कि मदद होंगी ने फॉरमेट कमांड की मदद ना। जी फॉरमेट कमांड कि टैब से हो सकती है होम इनसर्ट डाटा ते फॉर्मूला। इसका सही आंसर है होम टैब कि जी फॉरमेट कमांड है होम टैब से मौजूद होंगी है। नैक्सट है सारे फॉर्मूले डैश चिन्ह नाल शुरू होने चाहिए हैं कि एक्सल के अंदर जेकर असी कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसनों की बोलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला शुरू करने लिए किहड़ा सिंबल हो सकता है? पहला ऑप्शन है सिगमा, दूसरा है जमा का निशान, तीसरा है बराबर है, चौथा इन्हां विचों कोई नहीं। तो याद रखना है कि एक्सल के अंदर जेकर असी कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए किहड़ा चिन्ह वरतांगे बराबर है चिन्ह, क्योंकि जिहड़ा फॉर्मूला जां फंक्शन है वह बराबर चिन्ह नाल शुरू हुंदा है। नैक्सट है वर्कशीट विच लिखे डाटा नूं डैश की मदद नाल एक क्रम विच अरेंज किया जा सकता है। अरेंज का मतलब है कि डाटा नूं वधदे जां घटदे क्रम विच लगाना जां असेंडिंग जां डिसेंडिंग ऑर्डर विच लगाउणा। ते इहदे लई साडे कोल ऑप्शन की ने फॉर्मूला फंक्शन फिल्टर अते सोर्टिंग। ते इसका सही आंसर हैगा सोर्टिंग। सोर्टिंग कमांड की करती है डाटा नूं वधदे जां घटदे क्रम विच लगाउंदी है। सैवंथ फिलअप है सोर्ट एंड फिल्टर कमांड डैश टैब ते उपलब्ध हुंदी है। इसके ऑप्शन ने होम इनसर्ट डाटा जां फॉर्मूला। तो इसका आंसर है होम ते डाटा। कि सोर्ट एंड फिल्टर कमांड होम ते डाटा दोनों टैब ते मौजूद हुंदी है। तो तुसी यार आंसर होम भी लिख सकते हो ते डाटा भी लिख सकते हो। नैक्सट है सही जां गलत दसो ट्रू फॉल्स। पहला है एक फंक्शन पहला तो ही प्रभाषित फॉर्मूला हुंदा है। यह बिल्कुल सही है कि जिहड़ा फंक्शन है वह पहला तो ही प्रभाषित फार्मूला हुंदा है। मतलब कि जेकर असी एम एस एक्सल के अंदर कुछ टोटल करना है तो अभी वो सम फंक्शन यूज करते हाँ, जो कोई वड्डा नंबर लभना है मैक्स फंक्शन यूज करते हाँ, कोई छोटा नंबर लभना है तो मीन फंक्शन यूज करते हाँ। तो यह तुहाडे की हो गए फंक्शन कि फंक्शन एक पहला तो प्रभाषित फार्मूला हुंदा है। नैक्सट है चिन्ह एक्स की वरतों गुणा करने लिए की जाती है। जिदा असी मैथ च गुणा का साइन लिए एक्स वरतते हाँ, लेकिन जो असं एक्सल च वरतते हाँ गुणा का साइन तो वो एक्स की वरतों नहीं होंगी, वो स्टार सिंबल की वरतों होंगी गुणा करने लिए। इस करके है गलत है। थर्ड है फॉर्मूला एक सारणी हुंदा है जो गणना करता है। यह बिल्कुल सही आंसर है कि फॉर्मूला एक सारणी हुंदा है
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਟੈਕਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਫਿਲਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MS Excel 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।